चुनाव के लिए छठे चरण का मतदान 25 मई को होना है। इस बीच तूफानी चुनाव प्रचार के बाद आंध्र प्रदेश के कुछ प्रमुख नेता फॉरेन ट्रिप पर निकल गए हैं। दरअसल राज्य की 175 विधानसभा और 25 लोकसभा सीटों के लिए 13 मई को चौथे चरण में मतदान पूरा हो चुका है। शायद यही कारण है कि चुनाव निपट जाने के बाद प्रदेश के नेता अब छुट्टी मनाने के मूड में आ गए हैं। लोकसभा चुनाव के लिए अब छठे चरण का मतदान होना बाकी रह गया है। इस बीच मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू और बीजेपी नेता अपर्णा यादव अब आजमगढ़ में नेता धर्मेंद्र यादव के खिलाफ चुनाव प्रचार करेंगी। अपर्णा यादव बीजेपी प्रत्याशी दिनेश लाल यादव निरहुआ के समर्थन में आज आजमगढ़ में रोड शो करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 मई को गाजीपुर जिले में आरटीआई मैदान में चौथी बार जनसभा को संबोधित करेंगे। जनसभा की तैयारियां जोरों से चल रही हैं, तो वही पीएम मोदी के कार्यक्रम को लेकर पुलिस और प्रशासन की टीमें भी अलर्ट हैं। लोकसभा चुनाव के छठे और सातवें चरण के चुनाव प्रचार में काफी तेजी देखी गई। पार्टियों के स्टार प्रचारक जल्द ही चंदौली में अपनी जनसभा करने वाले हैं। आपको बता दें कि 27 मई को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव चंदौली पॉलिटेक्निक मैदान में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। लोकसभा चुनाव के छठे और सातवें चरण के चुनाव प्रचार को लेकर सभी पार्टियां काफी एक्टिव हो गई हैं। पार्टियों के स्टार प्रचारक जल्द ही चंदौली में अपनी जनसभा करेंगे। वहीं चंदौली के महेंद्र टेक्निकल मैदान में 25 मई को सीएम योगी आदित्यनाथ एक जनसभा को संबोधित करेंगे। आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ कथित मारपीट के मामले पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपनी पहली प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वो चाहते हैं कि मामले की निष्पक्ष जांच हो ताकि स्वाति को न्याय मिले। वहीं स्वाति मालीवाल ने आरोप लगाते हुए केजरीवाल के इस बयान पर सवाल उठाए हैं। लोकसभा चुनाव के लिए छठवें चरण के चुनाव प्रचार का आज अंतिम दिन है। इस चरण के दौरान उत्तर प्रदेश की 14 लोकसभा सीटों पर वोटिंग 25 मई को होगी। इस दौरान राज्य की आजमगढ़ सीट पर भी वोटिंग होनी है। वहीं बीजेपी और समाजवादी पार्टी में सीधी टक्कर होने की संभावना है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने एक्स पर कहा कि आज दिल्ली पुलिस मेरे बूढ़े और बीमार माता पिता से पूछताछ करने आएगी। इस बीच राज्यसभा सांसद संजय सिंह का बयान सामने आया है। उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी पर हमला बोला है और उन्हें क्रूर करार दिया है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन की जीत का न केवल दावा कर रहे हैं, बल्कि उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन की सरकार न्यायपालिका को दबाव मुक्त कर देगी और उनकी रिहाई को सुनिश्चित किया जाएगा। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के माता पिता से दिल्ली पुलिस की पूछताछ को लेकर आप सांसद संजय सिंह ने ट्वीट कर पीएम मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मोदी जी, मैं जानता हूं कि आप एक घटिया इंसान हैं, लेकिन इतने घटिया हैं ये नहीं सोचा था। लड़ना है तो हम लोगों से लड़ो। अरविंद केजरीवाल के बूढ़े और बीमार माँ बाप को तंग करना तुम्हारी क्रूरता है और कायरता का प्रतीक है।